अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू मिस्टिफाइड एपेटाइट। दुआ करती हूँ आप सब बढ़िया होगे और मज़े में होंगे। तो आज हम इफ्तारी में बनाने वाले हैं फ्रूट कस्टर्ड और साथ ही हम चिकन चीज़ बॉल्स बनाने वाले हैं। तो चलिए फिर हमारे रेसिपी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम कस्टर्ड बना लेंगे क्योंकि इसे ठंडा होने में टाइम लगेगा। तो मैंने एक बर्तन में 1 लीटर दूध लिया है। तो अभी ये दूध को हम पहले बॉईल कर लेंगे। तो मैंने दूध को गैस पे रखा है और इसके अंदर मैंने 1 कप चीनी डाली है। हमारे यहाँ पे थोड़ा कम मीठा खाते हैं इसीलिए 1 कप चीनी डाली है। आप चाहे तो आपके टेस्ट के हिसाब से चीनी एडजस्ट कर सकते हो। अब ये दूध को हम कंटिन्यूसली स्टर करते रहेंगे और इसमें एक बॉईल आने देंगे। और साथ ही यही दूध में से मैं थोड़ा सा दूध साइड में निकाल लूँगी क्योंकि कस्टर्ड पाउडर हम इसमें मिक्स करेंगे। तो ये देखिए दूध गर्म होना स्टार्ट हो गया है और चीनी भी ऑलमोस्ट मेल्ट हो गई है इसमें। तो ये देखिए दूध में बॉईल आ गया है। अब इसके अंदर हम कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। तो मैं यहाँ पे कुकवेल का इस्तेमाल कर रही हूँ वैनिला फ्लेवर का। अभी जो हमने दूध साइड में निकाला था उसके अंदर हम 4 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। देखिए हमने यहाँ पे 4 टेबलस्पून पाउडर डाल दी है। इसे अभी अच्छे से मतलब मिक्स कर लेते हैं, कोई लम्स नहीं रहना चाहिए। अभी जो स्लरी है ये हम दूध में डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। देख सकते हो आप कि दूध की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक हो गई है। अब इसे हमें और 5 से 7 मिनट ऐसे ही गैस पर रखना है स्लो फ्लेम पर और इसे कंटिन्यूसली स्टर करते रहना। तो देखिए 10 मिनट बाद मैंने फ्लेम को ऑफ कर लिया है। अब ये कस्टर्ड को हम पहले ठंडा होने देंगे और फिर हम इसे फ्रिज में रखेंगे 1 घंटे के लिए। तो तब तक हम चिकन चीज़ बॉल की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 200 ग्राम्स ऑफ बॉइल्ड एंड श्रेडेड चिकन लिया है और 3 उबले हुए और मैश किए हुए आलू लिए हैं। इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे। साथ ही हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे। 1 टेबल स्पून ऑरिगेनो डालेंगे या फिर आप मिक्स्ड हर्ब्स भी इस्तेमाल कर सकते हो। और 1/2 टेबल स्पून हम इसमें नमक डालेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो हमें चिकन और आलू को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए ये हमारा मिक्सचर रेडी है और साथ ही मैंने चीज़ क्यूब्स भी कट करके रखे हैं छोटे छोटे पीसेस में। ये चिकन और आलू का मिक्सचर है, इसके अंदर मैं 3 से 4 टेबल स्पून मसाला ओट्स डालूंगी ताकि इसमें एक अच्छा सा क्रंच आ जाए और बाइंडिंग भी अच्छे से हो जाए इसकी। आप चाहे तो ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हो। ठीक है, अभी मैंने हाथ को अच्छे से गीला कर लिया है पानी से। अब इसके हम छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे और इसके अंदर हम चीज़ क्यूब्स की स्टफिंग करेंगे। तो मैंने चीज़ क्यूब को छोटे छोटे पीसेस में कट किया है। तो हमने एक जो पीस है वो डाल दिया है चीज़ का इसमें और इसका एक बॉल रेडी किया है। तो देखिए हमने ऐसे चीज़ क्यूब अंदर रखा, चीज़ क्यूब का एक पीस रखा है और इसका एक बॉल बना लिया है। तो ऐसे ही हम बाकी के भी बॉल्स रेडी कर लेंगे, हमारे चिकन चीज़ बॉल्स। मैंने यहाँ पे प्रोसेस चीज़ लिया है, आप चाहे तो मोज़रेला चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखिए चिकन चीज़ बॉल्स रेडी है। मैंने साथ ही ब्रेड क्रम्स लिए हैं और एक अंडा लिया है। अभी अंडे को हम फेंट लेते हैं पहले। अब ये जो बॉल्स है इसके अंदर हम एक टूथपिक लगाएंगे, इसको अंडे में डिप करेंगे और फिर इसके ऊपर हम एक ब्रेड क्रम्स का कोट लगा लेंगे। तो हम 2 कोटिंग करेंगे। अभी फिर से हम इसे एग में डिप करेंगे और फिर से इसे ब्रेड क्रम से कोट कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हम बाकी के भी हमारे चिकन चीज़ बॉल्स रेडी कर लेते हैं। इसे टूथपिक लगा लेंगे हम पहले बॉल में, इसे एग में डिप करेंगे और फिर इसे ब्रेड क्रम्स में डिप करेंगे। तो हम ऐसे हर चीज़ बॉल्स को डबल डबल कोटिंग लगाने वाले हैं। तो देखिए हमने इसे एग में डिप किया है, एग से अच्छे से कोट कर लिया है और इसे फिर हम ब्रेड क्रम से कोट कर लेंगे।
तो ऐसे ही हम बाकी के भी चीज़ बॉल्स रेडी कर लेते हैं। तो अभी मैंने कढ़ाई में तेल गरम किया है, इसे हम थोड़ा सा शैलो फ्राई करेंगे क्योंकि अगर आप डीप फ्राई करने जाओगे तो ये थोड़े से टूट सकते हैं, तो हमें बिल्कुल हल्के हाथ से इन्हें फ्राई करना है और फ्लेम को हमें मीडियम पे ही रखना है। बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं रखनी है फ्लेम और हाई भी नहीं रखनी है, मीडियम पे आप रख लीजिए फ्लेम और इन्हें अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लीजिए। और फिर फ्राई होने के बाद एक एब्जॉर्बेंट पेपर पर निकाल लीजिए। तो देखिए ऐसे ही हम बाकी के भी हमारे चिकन चीज़ बॉल्स फ्राई कर लेते हैं। हमें बिल्कुल हल्के हाथ से इन्हें फ्राई करना है और गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेना है ना। आप चाहे तो ये चीज़ बॉल्स को बेक भी कर सकते हो ओवन में। तो देखिए ये चीज़ बॉल्स रेडी है, अभी हम कस्टर्ड की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने कस्टर्ड को ठंडा करके एक बाउल में निकाल लिया है, इसके ऊपर हम चॉप्ड फ्रूट्स डालेंगे। आप कोई भी फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हो, मैंने यहाँ पर मेलन, वाटरमेलन इस्तेमाल किया है, मस्क मेलन इस्तेमाल किया है, बनानास डाले इस पर, आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो। और इसके ऊपर हम थोड़ा सा चॉकलेट सॉस ड्रिजल करेंगे क्योंकि कस्टर्ड और चॉकलेट सॉस बहुत ही अमेजिंग लगते हैं साथ में। तो देखिए ये हमारा फ्रूट कस्टर्ड रेडी है। तो ये फ्रूट कस्टर्ड की बहुत ही सिंपल रेसिपी है लेकिन बहुत ही रिफ्रेशिंग है। तो देखिए ये हमारा यम्मी कस्टर्ड रेडी है, साथ ही हमारे चिकन चीज़ बॉल्स भी रेडी है। इसे मैंने केचप और शेजवान सॉस के साथ सर्व किया है। आप चाहे तो हरी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हो या फिर कोई चीज़ डिप भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखिए हमारा फ्रूट कस्टर्ड और चिकन चीज़ बॉल रेडी है। तो अभी बस इफ्तारी की तैयारी कर लेते, ऑलमोस्ट टाइम हो गया है। तो आई होप कि आपको ये दोनों रेसिपीज़ अच्छी लगेगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिया गया बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए क्योंकि मैं अगली वीडियो डालूँगी तो आप सभी को नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़।